हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक लो कॉस्ट ग्रेनाइट लाया हूँ, यानी सबसे सस्ता ग्रेनाइट। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ग्रेनाइट में दो टाइप की रेंजेस होती हैं, एक हाई रेंज, दूसरा होता है लो रेंज। इस वीडियो में हम लो रेंज के बारे में बात करेंगे, जिसे कमर्शियल रेंज भी कहते हैं या कमर्शियल ग्रेनाइट भी कहते हैं। कमर्शियल ग्रेनाइट क्या होता है पहले ये जानते हैं। कमर्शियल ग्रेनाइट को ग्रेनाइट वर्ल्ड में वेरिएशन वाला ग्रेनाइट भी कहते हैं। वेरिएशन क्या होता है, जब कोई ग्रेनाइट में ओरिजिनल कलर से थोड़ा हटके या थोड़ा अलग पैटर्न या फिगर में आता है, जिससे उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो थोड़ा बदल जाता है, उसे वेरिएशन कहते हैं। ग्रेनाइट में कई टाइप के वेरिएशंस आते हैं, हर ग्रेनाइट में अलग अलग टाइप के वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशन जैसे मर्जेबल वेरिएशन हो गया, माइनर वेरिएशन हो गया, या लाइन हो गया, या कोई कलर का वेरिएशन हो गया, या कोई फिगर का वेरिएशन हो गया, या ब्लैक स्पॉट या क्रैक, या अगर किसी चीज़ में आयरन आ गया, तो ये सारे वेरिएशंस के टाइप्स होते हैं जो ग्रेनाइट्स में आते हैं। अब इन सब के बारे में एक एक करके जानते हैं कि ये सब वेरिएशंस कैसे होते हैं और ये कैसे दिखते हैं। मर्जेबल वेरिएशन की बात करें तो मर्जेबल वेरिएशन ऐसा कोई खास वेरिएशन नहीं है, पर इसमें हल्की फुल्की माइनर सी मिस्टेक आ सकती है, जिससे क्या कलर थोड़ा सा अलग लगता है, बाकी ऐसा कोई नहीं है। ये भी एक फ्रेश में ही इसकी गिनती होती है। और माइनर वेरिएशन की बात करें तो इसमें क्या थोड़ी सी लाइन या थोड़ा सा कलर शेड या हल्का फुल्का कोई माइनर मिस्टेक आ गया तो उसको माइनर वेरिएशन कहते हैं। अब जो लाइन वेरिएशन है, लाइन वेरिएशन में क्या होता है कि या फिर कोई लाइन आ गई, कोई पतली लाइन आ गई, कहीं मोटी लाइन आ गई, कहीं काली लाइन आ गई, या कभी सफ़ेद लाइन आ गई, तो ये सारे लाइन में भी काफ़ी टाइप के वेरिएशंस होते हैं। अब कलर वेरिएशन की बात करें तो कलर वेरिएशन में क्या होता है कि कभी किसी कोई पैटर्न का कलर चेंज हो गया, या कोई कलर डार्क आ गया या ब्राउन आ गया, जिससे मतलब कि वो उसके ओरिजिनल कलर से उसका जो कलर होता है वो थोड़ा डिफरेंट लगे, तो ये आपका कलर वेरिएशन है। और सबसे ज़्यादा वेरिएशन जिसे कहते हैं वो है आपका ब्लैक स्पॉट और क्रैक वेरिएशन। ये सबसे ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं। इसके अंदर जो भी होता है वो आपको एकदम क्लियर, ब्लैक स्पॉट है तो ब्लैक स्पॉट क्लियर दिखेगा, क्रैक है तो एकदम क्रैक भी एकदम फुल ओपन क्रैक दिखेगा। आयरन वेरिएशन की बात करें तो ये तब होता है जब ग्रेनाइट में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ग्रेनाइट के अंदर से पीले पीले दाने दिखने लगते हैं। इसकी पहचान ही ये है कि जब ग्रेनाइट के अंदर पीले पीले दाने दिखने लगे तो इसका मतलब कि ग्रेनाइट के अंदर आयरन की मात्रा ज़्यादा है, इस वजह से ये हो जाता है आयरन वेरिएशन। ये थे वेरिएशंस वाले ग्रेनाइट, जिन्हें कमर्शियल ग्रेनाइट भी कहते हैं। अब बात करते हैं इनकी प्राइस रेंज के बारे में, कि ये प्राइस रेंज इनकी कम से कम कितनी हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है। अब ऐसा है, हर कलर में अलग अलग टाइप के वेरिएशंस होते हैं, तो उस हिसाब से उनकी प्राइस रेंज भी अलग अलग। इस वीडियो में हम कुछ कॉमन कलर्स के बारे में बात करेंगे और उनके एवरेज प्राइस रेंज के बारे में बात करेंगे। हम आपको सिर्फ राजस्थान में जो ग्रेनाइट निकलते हैं उन्हीं के बारे में जानकारी देंगे, और इनकी जो प्राइस रेंज है वो राजस्थान की ही है। पहले हम ब्लैक कलर ग्रेनाइट के बारे में बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अंदर जितने भी ब्लैक ग्रेनाइट्स हैं उनके बारे में, ये साउथ के ब्लैक ग्रेनाइट के बारे में नहीं। तो राजस्थान में जो ब्लैक ग्रेनाइट्स है उनके अंदर जो वेरिएशंस आते हैं वो जैसे कोई लाइन आ गई, या वाइट लाइन आ गई, या रेड सर्कल्स आ गए, या क्रैक आ गया, या कोई माइनर या मेजर कोई भी मिस्टेक हो गया, तो वो वेरिएशंस में गिनती होती है। इसकी जो प्राइस रेंज है वो 60 से लेके 70 रुपीस तक है, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, ये बेस्ड ऑन क्वालिटी प्राइस है। अब पिंक कलर की ग्रेनाइट की बात करें तो पिंक कलर ग्रेनाइट के अंदर कलर शेड, लाइन, पिंक स्पॉट, ब्लैक स्पॉट, वाइट स्पॉट या डबल कलर, तो कोई भी वेरिएशंस आ सकते हैं। इसके जो प्राइस रेंज है वो 45 से लेके 50 रुपीज़ तक है। ये कुछ राजस्थान में जो जालौर के अंदर जो पिंक कलर निकलते हैं ये उनकी प्राइस रेंज है। अब बात करते हैं सबसे सस्ता ग्रेनाइट के बारे में, जो है लो कॉस्ट ग्रेनाइट। ये कलर राजस्थान के जालौर डिस्ट्रिक्ट के आसपास निकलता है और इसके अंदर सुपीरियर क्वालिटी भी आती है और एक कमर्शियल क्वालिटी भी आती है, तो हम कमर्शियल क्वालिटी ही बात करते हैं। इसके अंदर स्पॉट्स,
व्हाइट स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट्स, व्हाइट क्लाउड, ब्लैक क्लाउड, लाइन, डबल कलर, आयरन, फिगर कलर, कोई भी हर टाइप का वेरिएशन इसके अंदर आ सकता है। और इसकी जो स्टार्टिंग रेंज है कमर्शियल में वो 30 रुपीज़ से लेके 45 रुपीज़ तक है बेस्ड ऑन क्वालिटी। इनका लो रेंज होने की वजह से इसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है और ये मल्टीपर्पज़ भी है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। इसी तरह ग्रेनाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमसे जुड़े रहिए।